Very good morning, students of class 4. As you all know that we are in chapter number 6 and the name of the chapter is Factors and Multiples. Before starting a today's class, let's recap what we learned in previous class. Let's do a little recap. Factors. A factor is a number that divides into another number exactly and without leaving a remainder. Highest common factor, HCF, the greatest factor common to any two or more given numbers, is called the HCF, highest common factor. Let's do the sums of the exercise. Question number 13 is, find the HCF of, अभी हमने पढ़ा HCF को हम क्या बोलते हैं, highest common factor. HCF of, question number E, 56 and 96. 56 और 96 के हमें highest common factor को find out करना है. हम कैसे find out करेंगे? पहले हम 56 के factor को find out करेंगे, उसके बाद हम 96 के factors को find out करेंगे, उसके बाद उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उन्हें लिख लेंगे, ठीक है. और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो 56 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है. चलिए अब हम 56 के फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 56 हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़, तो हम सबसे पहले नंबर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. 1 से हम चेक करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 56, वी गेट 56. हम 56 को 56 से डिवाइड करेंगे. कितने टाइम्स में अब वो डिवाइड हो जाएगा? 1 टाइम्स में. तो 56 वन्स आर 56 और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा. तो हमने इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि ये दिया हुआ पर्टिकुलर नंबर इस नंबर का फैक्टर है या नहीं ना. अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो फैक्टर होता है. तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. तो हमें क्या पता चलता है डिवाइड करने पे? 1 और 56, 56 के फैक्टर हैं. 2 28 जा 56. जब हम 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 28 टाइम्स में डिविजिबल होगा. 3 से 56 डिविजिबल नहीं होगा. और जब हम 4 से 56 को डिविजिबल करेंगे तो वो 14 टाइम्स में डिविजिबल होगा. तो 4 14 जा 56, 14 4 जा 56, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 56. और 5 और 6 से भी 56 डिविजिबल नहीं होगा. एंड 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, ठीक है. तो 56 के हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे? हम लिखेंगे देयरफोर. देयरफोर को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. देयरफोर फैक्टर्स ऑफ 56 आर 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56. हम कॉमा पुट कर करके सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे. उसके बाद हम 96 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. सेम इसी प्रोसेस से जो नंबर 96 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देगा वो 96 का फैक्टर होगा. तो 1 96 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. 1 और 96 दोनों ही 96 के फैक्टर होंगे, ठीक है. 2 48 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. 3 32 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. 4 24 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. 5 96 को डिवाइड नहीं करेगा. 6 16 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. 7 भी 96 को डिवाइड नहीं करेगा. और 8 12 टाइम्स में 96 को डिवाइड करेगा. बेटा आप ये प्रोसेस, डिवीजन करने वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा. बिना करे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है. तो आप इस प्रोसेस को अपने रफ कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में या अपने कॉपी के पीछे इस प्रोसेस को करिएगा, ठीक है. तो हमें इन नंबर ऑफ पेयर्स मिल गए. इट मींस 96 के इतने फैक्टर्स हैं. हम क्या लिखेंगे? देयरफोर फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96, ठीक है. हमने 56 के फैक्टर को निकाला, 96 के फैक्टर को निकाला. अब हम क्या करेंगे? देयरफोर हमें HCF फाइंड आउट करना है. इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से हाईएस्ट फैक्टर को निकाल लेंगे. तो हम लिखेंगे देयरफोर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 96 आर, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 1 56 में भी है और 1 96 में भी है. इट मींस 1 कॉमन फैक्टर हो गया. अब 2 यहाँ भी है और
टू यहाँ भी है, टू भी कॉमन फैक्टर हो गया, थ्री यहाँ है लेकिन यहाँ थ्री नहीं है, फोर यहाँ भी है और फोर यहाँ भी है, फोर भी कॉमन फैक्टर हो गया, सेवन यहाँ नहीं है, सिक्स यहाँ नहीं है, एट यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एट भी कॉमन फैक्टर है। फोर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 96 आर 1, 2, 4 एंड 8। हमें कॉमन फैक्टर्स पता चल गए और अब हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इन कॉमन फैक्टर्स को देख के बता सकते हो इसमें से कौन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यस, 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 96। तो हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96 इज 8। ठीक है, बस हमें इसी को फाइंड आउट करना था। आप जैसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिख दोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स। व्हाट आर मल्टीपल्स? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन से ज़रूर होगा ना, तो इसकी हम क्या डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ एनी नंबर और विथ एनी इंटीजर। इंटीजर मीन्स नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ नंबर्स याद रखने हैं। इसीलिए क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ एनी नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल। क्लियर? अब हम लेते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। इट मीन्स 3 4s are 12। 3 में हम, ठीक है, 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, या हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है। अब हम 3 या 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई नंबर किसी दिए हुए नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है और हमें रिमाइंडर में 0 मिलता है, इट मीन्स वो नंबर उस दिए हुए नंबर का फैक्टर है। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर? अब मल्टीपल ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, इसी एग्जाम्पल को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 12 जो है वो 3 और 4 का मल्टीपल है। क्यों? 12 हमें कैसे मिलेगा, 3 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 12 मिलेगा, या 4 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और मल्टीपल की डेफिनेशन ही यही है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ एनी नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल। क्लियर? इसी तरीके से हम मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या रिलेशन हुआ, फैक्टर और मल्टीपल्स में ये रिलेशन हुआ, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप अपनी मम्मी को मॉम कहते हो, पर आपकी मम्मी आपको मॉम नहीं कहेंगी, वो आपको सन कहेंगी। इसी तरीके से 3 और 4 12 के फैक्टर हैं, लेकिन 12 जो है वो 3 और 4 का मल्टीपल है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 5। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो फिनिश नहीं होते एंड सो ऑन चलते जाते हैं। कैसे? हमें 5 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते जाएंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा रिजल्ट, वो 5 का मल्टीपल होगा। सपोज अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 0 से करें, 5 0s are, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट 0 मिलता है। 5 0s are 0। 5 multiplied by 1 we get 5। 5 multiplied by 2 we get 10, and so on. 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। यहाँ पे मल्टीपल्स फिनिश नहीं हुए, यहाँ पे हमारी टेबल फिनिश हुई है। अगर हम 5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से 10 20 से, इसी तरीके से एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, क्योंकि नंबर तो फिनिश नहीं होते, इसी तरह मल्टीपल्स भी फिनिश नहीं होते। हम दिए हुए नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 15। हमें 15 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 15 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ सीरीज जो हमें मिलेगी
वो 15 की मल्टीपल होगी। हम चेक करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 0 वी गेट 0, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 वी गेट 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 55, 15 सिक्स ज़ा 90, 15 सेवन ज़ा 105, 15 एट ज़ा 120, 15 नाइन ज़ा 135, 15 टेन ज़ा 150, 15 इलेवन ज़ा 165 एंड सो ऑन। क्योंकि ये सीरीज फिनिश नहीं होती है, क्योंकि मल्टीपल्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें क्या मिल गया 15 के मल्टीपल्स? 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 एंड 165 एंड सो ऑन। क्लियर? तो हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम किसी भी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो उसका मल्टीपल होता है। क्लियर? प्रोडक्ट आपको पता है, हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो मल्टीपल्स की क्या डेफिनेशन हो गई? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ एनी नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल। क्लियर? इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल फॉर टुडे, ऑन नेक्स्ट टर्न वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक और हम इस टॉपिक के मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एचसीएफ ऑफ के टू क्वेश्चंस अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करने हैं। कौन से टू क्वेश्चंस? मैं अभी आपको स्क्रीन पे वो दिखाई देगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।